नमस्ते, आप देख रहे हैं आपका ही चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पावर पॉइंट का कोर्स चल रहा है, आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम सीखने वाले हैं कि सब टाइटल में टेक्स्ट को एंटर करना और नया टाइटल बार ऐड करना। ठीक है दोस्तों, और पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि डिज़ाइन थीम में प्रेजेंटेशन तैयार करना, यानी कि पेज पर डिज़ाइन को लगाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप हमारे प्रीव्यू वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा यूँ कि मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसकी जानकारी आपको ईमेल के द्वारा मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी नई वीडियो अपलोड की है। तो ठीक है दोस्तों, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि सब टाइटल में टेक्स्ट को एंटर कैसे करते हैं और नया टाइटल ऐड कैसे करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये कोर्स बहुत ही सरल भाषा में सिखा सकूं और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा पूरा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखा सकूं और आप भी जल्दी सीख सकें। वैसे तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप मेरा वीडियो देखते देखते ही पावर पॉइंट सीख जाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम पावर पॉइंट को ओपन कर देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने यही डिज़ाइन लगाई थी और अब हम आगे सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है, यानी कि पार्ट 3 चल रहा है और ये कोर्स पूरे 1 महीने तक चलेगा, यानी कि 30 वीडियो है इसकी जो आपको पूरा पावर पॉइंट सिखा देगी, वो भी इजी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि सब टाइटल में टेक्स्ट को एंटर करना और नया टाइटल बार ऐड करना। आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये जो बॉक्स है यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैंने डिजाइन लगा रखी, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। आप क्या टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या है, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगर आपको सही समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसकी डिज़ाइन को चेंज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले जैसा था मैंने वैसा ही कर दिया है, यानी कि एकदम नॉर्मल डिज़ाइन। ठीक है, जो नॉर्मल ओपन करते ही आ जाती है। यहाँ पर देखिए, दो टाइटल बार दे रखे हैं, पहला तो दे रखा है क्लिक टू ऐड टाइटल और दूसरा दे रखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। वैसे तो हम इसमें टेक्स्ट को लिखना सीखेंगे, यानी कि हम इसमें टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको ये बेसिक चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपसे पीछे और भी है जिनको ये चलाना नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में सिखा रहा हूँ और पावर पॉइंट को शुरू से सिखा रहा हूँ। अगर आप इन सब के बारे में जानते हैं तो कोई बात नहीं, पर जो नहीं जानते हैं उनको भी सिखाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कीबोर्ड पर चलाना जानते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो दो बॉक्स दे रखे हैं इसमें से पहले वाले पर क्लिक करना है और नाम लिखना है, जैसे आपको कोई भी लिखना हो वैसे लिख दीजिए। वैसे तो मैं मेरे चैनल का नाम लिख रहा हूँ, सब टाइटल है, इसमें भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें भी वही लिख देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी वही लिख दिया है, मैंने तो बस इतना ही लिखा है। आप चाहे तो इसमें बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए, मैंने इतना सा लिखा, आप चाहे तो इसमें ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप पूरा एक पेज भर के लिख सकते हैं। मैंने तो इसमें क्या, आपको एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा लिखा है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो एग्जाम इजी है, बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। पार्ट 10 तक, यानी कि 10 दिन तक यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ें ही मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप एक बार इस पावर पॉइंट को पूरा अच्छी तरह से सीख सकें। आगे क्या थोड़ी हार्ड चीज़ें आने वाली है, इसके लिए आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार ये सभी बेसिक चीज़ें ही सिखा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही था, आप हमारे कल की वीडियो ज़रूर देखें। कल हमारा चौथा दिन है और कल हम सीखने वाले हैं कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना और टेक्स्ट को डिलीट करना। ठीक है दोस्तों, ये हम कल सीखने वाले हैं, कल हमारा चौथा दिन है, चौथी वीडियो हमारी पावर पॉइंट की अपलोड हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो आपको पसंद आती रहे, आप लाइक करते रहें। ठीक है दोस्तों, हमारी यही आशा है और मैं आपको जितना हो सके उतनी सरल भाषा में सिखाना चाहूँगा और आप भी मेरा पूरा योगदान करें। ठीक है।